है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन एटम एंड श्रोडिंगर इक्वेशन, ये देखिए टॉपिक है आपका हाइड्रोजन एटम और श्रोडिंगर इक्वेशन। तो जो हाइड्रोजन एटम है, श्रोडिंगर इक्वेशंस का जो कैलकुलेशन ऑफ सॉल्यूशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ सॉल्यूशन है, वो कहता क्या है, जरा समझिएगा। तो कह रहा है कि व्हेन श्रोडिंगर इक्वेशन इज सॉल्व फॉर द हाइड्रोजन एटम, जब श्रोडिंगर इक्वेशन को हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व किया गया, तो सॉल्यूशन गिव द पॉसिबल एनर्जी लेवल द इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई एंड द करेस्पॉन्डिंग टू द वेव फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद द एनर्जी लेवल। अब ये कह रहे हैं कि द सॉल्यूशंस गिव द पॉसिबल इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई द करेस्पॉन्ड वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद द एनर्जी लेवल। अब कह रहे हैं कि द सॉल्यूशंस गिव द पॉसिबल एनर्जी लेवल, ये सॉल्यूशन बताता है कि पॉसिबल एनर्जी लेवल कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई और कहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, द करेस्पॉन्ड, और कह रहा है कि दोनों बातें डिपेंड करती हैं, करेस्पॉन्ड करती हैं वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो है, ऑफ एनर्जी लेवल का, इच एनर्जी, हर एनर्जी लेवल के लिए वेव फंक्शन क्या होगा, इस पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाया जाएगा। दिस क्वांटिटाइज इलेक्ट्रॉन एनर्जी स्टेट एंड द करेस्पॉन्ड वेव फंक्शन विच आर द करेक्टराइज बाई द शेट ऑफ द क्वांटम नंबर। कह रहे हैं कि अगर आपको क्या करना है कि क्वांटिटाइज एनर्जी स्टेट एंड करेस्पॉन्ड वेव फंक्शन विच आर द करेक्टराइज बाय द फोर क्वांटम नंबर, अगर आपको जो है क्वांटिटाइज एनर्जी स्टेट और उसका जो है वेव फंक्शन करेक्टराइज करना है, तो इसके लिए आपको बताया जाता है कि इसको हम करेक्टराइज कर सकते हैं बाय यूजिंग थ्री क्वांटम नंबर। अब ये थ्री क्वांटम नंबर कौन है समझ लीजिए, ये थ्री क्वांटम नंबर हैं, एक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम लोग यन कहते हैं, कैप स्मॉल एन से लिखते हैं, दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम लोग स्मॉल एल से लिखते हैं, और तीसरा है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम लोग एम एल से लिखते हैं, स्मॉल एम एल से लिखते हैं। अब अगर आप देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि बड़ा इंटरेस्टेड कंसेप्ट है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और साथ में जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर समझने का। ये समझ लीजिए कि जो है पहले क्या होता था, जैसे बोहर ने क्या बोला था, उन्होंने सिर्फ यन का डिस्कस किया था, इसका डिस्कस किया था, उन्होंने बता दिया इलेक्ट्रॉन इसी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि इसी सेल में पाया जाएगा जिससे ऑर्बिट कहते हैं, इन्होंने नाम दे दिया। लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन सिर्फ जो है एक सिंगल क्वांटम नंबर के पढ़ लेने से एड्रेस नहीं हो सकता, सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से इलेक्ट्रॉन को एड्रेस नहीं किया जा सकता। अगर आप इलेक्ट्रॉन को एड्रेस करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपरली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तीनों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तभी किसी इलेक्ट्रॉन को आप एड्रेस कर पाएंगे। अब जरा समझिए, तो आप जैसे मान लीजिए कि आप क्या होता है कि जैसे आप मान लीजिए कहीं पे रहते हैं, तो अगर मान लीजिए आपका एड्रेस निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, पता किया जाएगा कि भाई आप किस स्टेट के रहने वाले हैं ना, पहले आपका स्टेट पता किया जाएगा, फिर पता किया जाता है भाई उस स्टेट में आप जो है किस जो है गांव से बिलोंग करते हैं, किस विलेज से बिलोंग करते हैं, है ना, फिर उस विलेज में आपका हाउस कौन सा है ना, तो ये चीजें होती, सेम यही बात है। अब देखिए भैया, ये स्टेट है, यानी समझ लीजिए कि आप एक समझ लीजिए कि जो बोहर जी थे वो केवल स्टेट बता के निकल लिए। अब उस स्टेट में कौन से विलेज से वो इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता था और उस विलेज में कौन से घर में था, ऐसी किसी जानकारी उन्होंने नहीं दी थी। बताइए क्या आप समझ के बताइए कि अगर किसी भी इंसान को आपको जानना है तो आपको सिर्फ मैं उसके राज्य के बारे में बता दूं, उसके स्टेट के बारे में बता दूं, तो क्या आप उस इंसान को आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्या उसको आप एड्रेस कर लेंगे कि ये इंसान कहाँ रहता है, नहीं। आप किसी को भी तभी एड्रेस कर सकते हैं जब उसके स्टेट, उसके राज्य के साथ साथ उसके गांव और उसके घर की जानकारी जब होगी तभी उसको आप एड्रेस कर पाएंगे। तो भैया बिल्कुल, ये जो आपको दिख रहा है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये उस राज्य को ही बताता है और ये उस गांव को बताने का काम करता है, विलेज को, और ये उसके घर को बताने का कार्य करता है।
तो आप समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन को एकदम एक्चुअल एड्रेस करना है कि इलेक्ट्रॉन किस हाउस में रहता है, किस जगह पे रहता है, कहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है पाए जाने की। ये सारी बातें जो है आपको इस थ्री प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ने से समझ में आ जाएगी। इसीलिए इन्होंने ये तीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हैं, और ये दो तीनों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या करते हैं, एनर्जी स्टेट, जो एनर्जी स्टेट होता है, क्वांटिटाइज एनर्जी स्टेट जो होता है, और जो वेव फंक्शन होता है, उन दोनों को करेक्टराइज करते हैं ये दोनों इक्वेशन। यानी कि अगर आपने इसको पढ़ लिया तो आप समझ लीजिए वेव फंक्शन भी जान गए और एनर्जी स्टेट भी, क्वांटिटाइज एनर्जी स्टेट भी जान गए। इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जरा समझिएगा आगे। कह रहा है अराइज एज द नेचुरल कंसेक्वेंस इन द सॉल्यूशंस ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स इन एनी एनर्जी स्टेट वेव फंक्शंस करिस्पॉन्ड टू द एनर्जी स्टेट कंटेन टू द ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट टू द इलेक्ट्रॉन। कह रहे हैं भैया कि अराइज टू द नेचुरल कंसेक्वेंस ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन मानता है कि नेचुरली व्हेन इलेक्ट्रॉन्स इन एन एनर्जी स्टेट, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी स्टेट में होगा, द वेव फंक्शन ऑफ करिस्पॉन्ड टू दैट एनर्जी स्टेट कंटेन द इन्फॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन। तो वो किस एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमको कहां से मिलेगी, ये सारी इंफॉर्मेशन हमको मिलेगी किससे, उसके वेव फंक्शन से। इसका मतलब किसी एनर्जी स्टेट में, किस एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन फाइंड होगा कि नहीं, रहेगा कि नहीं, ये डिपेंड करता है कि वहां का वेव फंक्शन क्या है। वेव फंक्शन पर डिपेंड करेगा सारी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन की। द वेव फंक्शन इज द मैथमेटिकल फंक्शन हुज द वैल्यू डिपेंड अपॉन द कोऑर्डिनेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। अब जरा समझिएगा, द वेव फंक्शन मैथमेटिकल फंक्शन हुज वैल्यू डिपेंड अपॉन द कोऑर्डिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटम डज नॉट कैरी एनी फिजिकल मीनिंग। आपको बता दूं कि जो है वेव फंक्शन का कोई दूसरा मतलब नहीं होता है। वेव फंक्शन सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, वेव फंक्शंस द मैथमेटिकल फंक्शन और हुज वैल्यू डिपेंड अपॉन, अगर मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट किया जाए तो इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कोऑर्डिनेट पे। इलेक्ट्रॉन किस कोऑर्डिनेट पे पाया जा रहा है, किस कोऑर्डिनेट पे पाया जाता है, इस पे डिपेंड करता है, और बाकी इसकी कोई मतलब नहीं होता, ऐसा कोई दूसरा मीनिंग नहीं है। अब जरा समझिए, कह रहा है कि सच वेव फंक्शंस ऑफ द हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स विच इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ये समझिए, किसी भी ऑर्बिटल किसी भी जगह पे, जैसे किसी भी एनर्जी स्टेट में जहां पे वेव फंक्शन सबसे ज्यादा होता है, जिस एनर्जी स्टेट में क्वांटिटाइज एनर्जी स्टेट में वेव फंक्शन सबसे ज्यादा शो करेगा, ठीक है, तो ऐसे वेव फंक्शन को द वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज वन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। याद रखिएगा, द वेव फंक्शंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के जैसे जो दूसरे भी एलिमेंट थे जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उन सारे एटम के लिए बोला गया कि उनके पास जहां पे वेव फंक्शन होता है उस पार्ट को एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। यानी कि वेव फंक्शन होता है मतलब जहां वेव फंक्शन होगा वहीं पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पाए जाने के चांसेस हैं, इलेक्ट्रॉन वहीं पाए जाएंगे, और उस पार्ट को जहां पे सबसे ज्यादा वेव फंक्शन है उस पार्ट को एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। उस पार्ट को क्या बोलेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल कहेंगे। इसका मतलब है कि सब जहां पे वेव फंक्शन है वहां पे एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, और जहां पे वेव फंक्शन होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है भैया, एटॉमिक ऑर्बिटल में रहता है। अब ये समझ लीजिए, पहले आप क्या बोलते थे, पहले आप बोलते थे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रहता है, ऑर्बिट में रहता है, तो बड़ा डिफरेंस है दोनों वर्ड में। पहले आप ऑर्बिट मानते थे, ऑर्बिट को पता है यन से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन जो ऑर्बिटल होता है उसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑर्बिट को स्पिन क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। बड़ा डिफरेंस है दोनों में, जरा समझिएगा आप इसको आगे। अभी आपको दोनों का डिफरेंस आपकी बुक में दिया हुआ, अभी समझाऊंगा मैं। द सच वेव फंक्शंस पर्टेनिंग टू द वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। देखिए कह रहा है कि द वेव फंक्शन, ऐसा वेव फंक्शन जो सिर्फ सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन के स्पीसीज वाले के लिए काम करता है उसे वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम कहते हैं। अब इसे हाइड्रोजन है, हीलियम सिंगल प्लस है, लिथियम डबल प्लस है, बेरिलियम ट्रिपल प्लस है, ये सब क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम है, तो इनको हम बोलेंगे वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब आगे समझिएगा,
कह रहे द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट द पॉइंट विद इन द एटम इज प्रोपोर्शनल टू द साई स्क्वायर। याद रखिएगा बेटा, किसी भी ऑर्बिटल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाने का चांसेस कहाँ पे है? क्या द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट द पॉइंट विद इन एन एटम्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइज स्क्वायर एट दैट पॉइंट। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी? जस्ट जिस पॉइंट पे साई स्क्वायर की वैल्यू, किसकी साई स्क्वायर की वैल्यू, साई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम रहेगी। जहां पे साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम होगी वहां पे इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। साई क्या है? साई वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन का स्क्वायर कर दीजिए तो इसी को बोलते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो साई स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होता है, और साई स्क्वायर की वैल्यू जहां पे सबसे ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन वहीं पाए जाते हैं, यानी कि ऑर्बिटल के पाए जाने के चांसेस वहीं होते हैं। अगर समझिएगा, द क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट टू द हाइड्रोजन एटम सक्सेसफुली प्रेडिक्ट ऑल एस्पेक्ट टू द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम इंक्लूडिंग टू द सम फिनोमिनन्स दैट कुड नॉट बी एक्सप्लेन द बोहर मॉडल। कह रहे हैं द क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्वांटम मैकेनिक्स में हाइड्रोजन एटम के बारे में सब कुछ बहुत ही सक्सेसफुली क्लियरली समझा दिया गया था, और वो बातें भी समझा दी गई थी जिन बातों को बोहर मॉडल में नहीं समझाया गया था, उन्हें भी क्लियर कर दिया गया था। अब देखिए, अगर आपसे ये बात की जाए, एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन की बात करूं मैं, तो देखिएगा कि अगर व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन के एप्लीकेशन क्या हैं? टू द मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। देखिए, जो बोहर का, बोहर ने जो कंसेप्ट बनाया था वो सिर्फ सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, यानी कि जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम थे सिर्फ उन पे काम करता था। लेकिन ये जो श्रोडिंगर है, श्रोडिंगर जो है, ये जो है इक्वेशन आपका जो है मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम कह रहा है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम प्रेजेंट डिफिकल्टीज द श्रोडिंगर इक्वेशन कैन नॉट सॉल्व द एग्जैक्टली फॉर द मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। कह रहा है, अब जरा समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। कह रहा है कि इक्वेशन, कह रहा है द एप्लीकेशन ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन टू द मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम जो होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, अ डिफिकल्टीज, अ डिफिकल्टी, उसमें एक डिफिकल्टी आ जाती है। द श्रोडिंगर इक्वेशंस कैन नॉट बी सॉल्व्ड एग्जैक्टली फॉर द मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। अच्छा सोचिए, बोहर ने क्यों नहीं मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम पर रिसर्च किया होगा? क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉन जो एटम होता है उसके बारे में समझाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, उसकी स्टडी करना। दिस डिफिकल्टी कैन ओवरकम द यूजिंग द अप्रोक्सीमेट मेथड। इस मेथड को, इस जो ये जो आपका जो है इनके पास जो डिफिकल्टीज थी, दिस डिफिकल्टीज कैन बी द ओवरकम द यूजिंग अप्रोक्सीमेट मेथड। अब बताए आपको, देखिए, क्योंकि श्रोडिंगर के इक्वेशन से हम जो है मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए क्या हुआ कि इस डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए एक अप्रोक्सीमेट सिस्टम लाया गया। मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, अप्रोक्सीमेट मतलब काफी नियर अबाउट बोल देते थे, एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हम लोग, ये ला दिया गया। कह रहा है कि सच कैलकुलेशंस विद द मॉडर्न कंप्यूटर्स, ऐसे कैलकुलेशंस किससे किए जाते हैं? मॉडर्न कंप्यूटर। द सच कैलकुलेशंस, कह रहे द सच कैलकुलेशन विद एड ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स शो दैट द ऑर्बिटल्स इन एटम्स अदर हाइड्रोजन डू नॉट डिफर इन एनी रेडियल वे फ्रॉम द हाइड्रोजन ऑर्बिटल डिस्कस्ड एवो। अब देखिए, कह रहे हैं द कैलकुलेशन विद द एड ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर शो दैट, जो कैलकुलेशन से जब उसको मॉडर्न कंप्यूटर से सॉल्व किया गया, द ऑर्बिटल्स इन द एटम, किसी भी एटम में जो ऑर्बिटल्स होता है, कह रहा है अदर देन द हाइड्रोजन डू नॉट डिफर, वो हाइड्रोजन के अलावा जो है बिल्कुल, मतलब है बिल्कुल डिफरेंट नहीं थे। कह रहा है इन एनी रेडियल्स वे फ्रॉम टू द हाइड्रोजन्स ऑर्बिटल्स डिस्कस्ड एबव। हमने हाइड्रोजन के बारे में जो कुछ भी अभी ऊपर पढ़ा ना, वो सेम वैसे ही सब कुछ रिजल्ट आया, उससे बिल्कुल डिफरेंट नहीं था। द प्रिंसिपल्स ऑफ द डिफरेंट लाइज टू द कंसिक्वेंस ऑफ द इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज, बिकॉज कह द प्रिंसिपल डिफरेंस लाइज
इन द कंसिक्वेंस ऑफ द इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज बिकॉज ऑफ द ऑल ऑफ द ऑर्बिटल्स आर समवॉट कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑल ऑफ द ऑर्बिटल्स आर समवॉट द कॉन्ट्रैक्टेड द फ्यूचर यू शैल सी लेटर द सब एटॉमिक आयंस अनलाइक ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हूज द एनर्जीज डिपेंड अपॉन द क्वांटम नंबर एंड द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स डिपेंड अपॉन द क्वांटम नंबर एन एंड ए एल. इन सारी चीज़ों को भी हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक बात करते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम. क्वांटम मैकेनिकल जो मॉडल था एटम का, उसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, ये मैं आपको अब जो है मंडे वाले लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि अभी जो है इतना आप समझ लिया मैंने पढ़ाया. अभी इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, नोट्स वगैरह बना लीजिए अपना, बाकी सारे पॉइंट्स के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं आपको. ठीक है, आज के लिए इतना ही. नोट्स आप बनाइए, क्वेश्चन भी सॉल्व करिए, और जो है रेगुलर स्टडी करिए. ऐसा नहीं है कि 3 डेज क्लास नहीं रहती है तो आप लोग जो है घर पे बैठ के इंजॉय करिए, ऐसा कुछ नहीं किया करिए. जो केमिस्ट्री का टाइमिंग है, आप केमिस्ट्री के टाइमिंग में केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया करिए. इसलिए 3 डेज का टाइम रखा गया है, 3 डेज स्टडी का और 3 डेज आपको जो है आप 3 डेज पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए. ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक.